ओके फ्रेंड, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे द रूल ऑफ HCI इन यूनिवर्सल डिज़ाइन। अब यूनिवर्सल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास HCI के क्या काम हो सकते हैं, क्या किरदार हो सकते हैं। देखो, जो यूनिवर्सल डिज़ाइन होते हैं तो वो HCI से आते हैं, मतलब HCI के अंदर इतने प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो मतलब इस यूनिवर्सल डिज़ाइन को समझते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो रूल है ये यूनिवर्सल डिज़ाइनिंग से HCI से आते हैं, ठीक है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन यूनिवर्सल डिज़ाइन। जो HCI है वो इंतहाई अहम किरदार यूनिवर्सल डिज़ाइन के अंदर अदा कर मतलब बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। HCI प्रोफेशनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग इंटरेक्टिव सिस्टम डेटर यूज बाई पीपल ऑफ ऑल एज एबिलिटी एंड बैकग्राउंड, मतलब जितने भी इंटरेक्टिव डिवाइसेस है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो रूल है वो HCI प्रोफेशनल बनाते हैं। तो HCI प्रोफेशनल के अंदर मतलब क्या हो शामिल होता है, डेवलपर शामिल होता है, डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, और इसी तरह वो सारे लोग शामिल होते हैं, मतलब जो क्रिएटिव होते हैं, जो अपने जहन से अपने काम को करते हैं। इसी तरह उसके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, सालों के साल सालों सालों एक्सपीरियंस उसके पास होते हैं। दे इंक्लूड पीपल विद फिजिकल, सेंसरी, कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इसके अंदर मतलब वो लोग शामिल हैं, तो वो मतलब वो लोगों के मुताबिक वो चीज़ें बनाते हैं, उन लोगों के मतलब जो वो लोगों के एज को देखते हैं, एबिलिटी को देखते हैं, इसी तरह उनको बैकग्राउंड के देखते हैं। तो इसमें डिपेंडेंट लोग शामिल हैं, इसमें वो लोग शामिल हैं जिसकी मतलब कॉग्निटिव, तो उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग क्या हो सकती है, उनकी मतलब एहसास क्या हो सकते हैं। इसी तरह उस वो मतलब डिसेबिलिटी लोगों की डिसेबिलिटी को भी सीखते हैं कि वो लोग किसी तरह मतलब काम करते हैं। इज द नंबर ऑफ वेड HCI प्रोफेशनल कैन कंट्रीब्यूट यूनिवर्सल डिजाइन। हमारे पास मल्टीपल वे है दैट HCI प्रोफेशनल कैन कंट्रीब्यूट यूनिवर्सल डिजाइन। HCI प्रोफेशनल डिफरेंट वे से मतलब यूनिवर्सल डिजाइनिंग मतलब में काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे रूल ऑफ HCI यूनिवर्सल डिजाइन। अब हमारे पास HCI के अंदर कई रूल है। टॉक टू पीपल विद डिसेबिलिटीज टू मेक टेक्नोलॉजी टू वर्क वेल फॉर एवरीवन। वी नीड टू लिसन टू एड एंड अंडरस्टैंड व्हाट पीपल विद डिसेबिलिटी नीड एंड वांट। सो टू मेक टेक्नोलॉजी दैट वर्क वेल फॉर एवरीवन, टू मेक टेक्नोलॉजी दैट वर्क वेल फॉर एवरीवन, जब टू मेक टेक्नोलॉजी दैट वर्क वेल फॉर एवरीवन वी नीड टू लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट पीपल विद डिसेबिलिटी नीड एंड वांट नीड एंड वांट। टू मेक टेक्नोलॉजी इट वर्क वेल फॉर एवरी वन, जब टॉक मतलब रूल ऑफ HCI यूनिवर्सल डिजाइन। HCI के अंदर हमारे पास जो यूनिवर्सल डिज़ाइन है वो मतलब उसमें है टॉक टू पीपल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। डिसेबल लोग के साथ बात करना, मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है तो उसको समझना और उसके मुताबिक उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज, उस डिज़ाइन को बनाना। टू मेक टेक्नोलॉजी इट वर्क वेल फॉर एवरी वन वी नीड टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड पीपल एंड अंडरस्टैंड वट पीपल एंड वट डिसेबिलिटी नीड एंड वॉन्ट। सो वी टॉक टू देम एंड आस्क क्वेश्चन टू लर्न फ्रॉम दियर एक्सपीरियंस। हम उसके साथ मतलब डिसेबल लोग के साथ बात करते हैं, उसके एक कुछ क्वेश्चन हम उससे कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं और उसके मुताबिक उस प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। यूज यूनिवर्सल डिज़ाइन रूल व्हेन वी क्रिएट अ थिंग लाइक वेबसाइट एप्स वी फॉलो सम इम्पॉर्टेंट रूल। दिस रूल इंक्लूड मेकिंग श्योर एवरीवन कैन यूज द टेक्नोलॉजी। जब हम कोई वेबसाइट या ऐप बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूल को यूज़ करते हैं। तो उस रूल के अंदर हमारे पास ऐसे रूल शामिल होते हैं जो सारे के सारे लोग यूज़ कर सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी के अंदर और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इजी बना सकते हैं। इट मीन द टेक्नोलॉजी शुड बी सिंपल एंड क्लियर फॉर एवरीवन। तो इसका मतलब ये है ताकि टेक्नोलॉजी जो हो वो हर के लिए आसान हो, हर यूजबल हो और हर कोई उसको इजीली समझ सके। इट मीन द टेक्नोलॉजी शुड बी सिंपल एंड क्लियरली फॉर एवरीवन वेदर दे हैव डिसेबिलिटी और नॉट। मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो हर किसी के लिए आसान हो, ताकि अगर वो डिसेबल हो या नहीं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यूज टूल पर एक्सेसिबिलिटी। वी शुड यूज़ टूल लाइक स्क्रीन रीडर। हम मतलब जो टूल है उसमें स्क्रीन रीडर यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीफायर यूज़ करते हैं, स्पेशल डिवाइस डिट हेल्प पीपल विद डिसेबल टू टेक्नोलॉजी इजली। और इसी तरह और स्पेशल डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी को आसान बनाए, ठीक है। यूजर टूल पर एक्सेसिबिलिटी। चेक इफ थिंग आर एक्सेसिबल। वी नीड टू टेस्ट इफ द टेक्नोलॉजी वी क्रिएट कैन बी यूज बाई एवरी वन। वी नीड टू टेस्ट इफ द टेक्नोलॉजी वी क्रिएट कैन बी यूज बाई एवरी वन। तो हम चीज़ों को टेस्ट करेंगे जो टेक्नोलॉजी हमने बनाया है, ताकि वो लोगों को इजली एक्सेसिबल है, इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटी इफ यू फाइंड अ प्रॉब्लम विद पेक्शन। तो मतलब उन लोगों से जो डिसेबल है, अगर हम कोई मसला फाइंड करते हो तो उसको हम फौरन पेक्स कर सकते हैं। टेलर अदर वर्ड इंक्लूसिव डिजाइन।
वी शुड टीच अदर वर्ड्स एशियन डिजाइन टेक्नोलॉजी फॉर द एवरीवन। और इसी तरह मतलब हम जो प्रोफेशनल लोग हैं दूसरों को बता सकते हैं इस ईयर रूल के बारे में, यूनिवर्सल डिजाइन, इंक्लूसिव डिजाइन के बारे में, यूनिवर्सल डिजाइन के बारे में। वी कैन ऑल्सो इनकरेज द यूज ऑफ टूल वट मेक टेक्नोलॉजी मोर एक्सेसिबल। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द यूज सेंटर अप्रोच इन यूनिवर्सल डिजाइन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।